सब प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं और ऐसी महत्वाकांक्षा देश की जनता इन वंशवादियों भ्रष्टाचारियों को देख रही है, इनके नीयत को समझ रही है, इसलिए ये सफल नहीं होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूँ आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है। तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद सहित कई बड़े नेता इस इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा की प्रतिक्रिया सामने आई है। जमकर तंज कसते नजर आए हैं इंडिया गठबंधन पर। विजय सिन्हा कहते नजर आए हैं कि ना इस गठबंधन में नेता है और ना ही नीति, सब केवल अपने अपने स्वार्थ के लिए इस गठबंधन में जुड़े हुए हैं और इस गठबंधन में सभी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। इस गठबंधन की बैठक से भी कुछ भी निकल कर सामने नहीं आने वाला है। क्या कुछ प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं विजय सिन्हा, पहले आप वो सुने। एनडी गठबंधन अभी जन्म ही लिया है और इसके न नेता है, न नीति है, न नीयत साफ है। सभी का अपना स्वार्थ महत्वाकांक्षा है और ये लोग अपनी अपनी विस्तार के लिए, कांग्रेस अपनी विस्तार में लगे हैं, क्षेत्रीय दल अपनी विस्तार में लगे हैं, सब प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं और ऐसी महत्वाकांक्षा देश की जनता इन वंशवादियों भ्रष्टाचारियों को देख रही है, इनके नीयत को समझ रही है, इसलिए ये सफल नहीं होंगे। जैसा कि आप जानते हैं 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली थी, लेकिन नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जैसे बड़े नेताओं ने किन्हीं कारणवश इस गठबंधन के बैठक में शामिल होने से उस वक्त इनकार कर दिया था, जिसके कारण इस बैठक को उस वक्त रद्द करना पड़ा और दोबारा आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की ये चौथी बड़ी बैठक हो रही है। तमाम बड़े नेता इसमें शामिल हुए हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक के बाद जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो निकल कर सामने आएगा। 2024 के आम चुनाव के लिए स्ट्रैटेजी भी तैयार की जाएगी। साथ ही साथ जनता को इसका भी इंतजार है कि आखिर इंडिया गठबंधन से पीएम पद का उम्मीदवार कौन होने वाला है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जमकर तंज कसते नजर आए और कहते नजर आए कि इस गठबंधन में सभी पीएम पद के उम्मीदवार हैं और इस गठबंधन में नहीं एक नेता है और नहीं कोई नीति है, सबका अपना अपना स्वार्थ है और चाहे वो कांग्रेस हो या वाम दल, सब बस अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश में है। इस गठबंधन के बैठक से कुछ भी निकल कर सामने नहीं आने वाला, क्योंकि सभी पीएम पद की रेस में दौड़ रहे हैं। क्या कुछ कहते नजर आए नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।